अब नए साल का रेजोल्यूशन भी बताइए आप। यार मेरी शादी करवा दो कसम से। लंबोदर तू विनायका तू मल्लोरे कर मोरया विघ्नेश्वर तू एक दंत तू मयूरेश्वर मोरया। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। हमारे सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। लिखो गीत ऐसा कि सब झूम जाएं, जब तुम गुनगुनाओ तो सब गुनगुनाएं। ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं, जब वो गुनगुनाते हैं तो पूरी दुनिया गुनगुनाती है, और जब वो जय हो कहते हैं तो ऑस्कर की ज्यूरी भी जय हो कहने से नहीं बचती। हमारे साथ है सुखविंदर सिंह जी। सुखविंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिमला में। आप हिमाचल की वादियों में हैं। हम शुरुआत करना चाहेंगे हिमाचल के ही एक गीत से, जो आपने बॉलीवुड में इस्तेमाल भी किया और बहुत खूबसूरती से गाया। आप सबको मेरा नमस्कार आदाब तिसरी अका। दोस्तों, मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष आपके लिए बहुत तरक्की भरा हो, खुशहाल हो। जीवन में खुश रहने का एक बहुत अच्छा अंदाज है, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप दूसरों को भी खुश रहने दो, तो यू फील सो रिलैक्स। डेफिनेटली आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कुल्लू मनाली जी। मेरा एक कॉन्सर्ट था और मेरे कॉन्सर्ट से पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस हुई थी हिमाचली फोक। वहाँ पर वहाँ के जो फोक टेल ग्रुप थे, उन्होंने बंठन चली बोलो जो गाया था, आई वाज रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड। आई वाज फ्लैबगास्टेड, सो आई डेफिनेटली वांटेड टू पुट दैट सॉन्ग इनटू द फिल्म। मैं मुंबई जब वापस आया तो मैंने आई स्पोक टू वन ऑफ माई फ्रेंड डायरेक्टर महेश मांजरेकर, संजय दत्त एंड एवरीबॉडी वॉज देयर, एंड आई सेड आई हैव गॉट अ फैंटेबुलस म्यूजिक फॉर यू टू पुट इन योर मूवी एंड योर मूवी विल शाइन कुरुक्षेत्र, एंड दैट हैपेंड। एंड सरोज खान द कोरियोग्राफर, शी सेड आई रियली वॉन्टेड टू लिसन द सॉन्ग। तो मैंने उनको फोक का ही जो रंग मैंने सुना था मनाली में, तो मैंने हिमाचल यानी फोक, तो देन वी रिकॉर्डेड दैट सॉन्ग। बंठन चली बोलो है जाती रे, बंठन चली बोलो है जाती रे, पैरों में तेरे घुंघरू की बिजुरिया छन न न न न न न न न न छनकाती रे, रे बंठन चली बोलो है जाती रे, बंठन चली बोलो है जाती रे। कोई अच्छा सा किस्सा सुनाइए जिससे पंजाब की भी खुशबू आए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत क्रिएटिव होती है, बट उसमें बहुत फन छुपा होता है। कहते कि मैंने बहुत जिद की गाने की, तो वहाँ पर एक कंटेस्ट चल रहा था फ्रॉम द मैच्योर बैंड्स का। अच्छा। कि जो बच्चे होते हैं उनको अलाउड नहीं था। अच्छा। तो बच्चों को अलाउड नहीं था, तो समहाउ आई स्टार्टेड डूइंग सेइंग अगेन एंड अगेन। तो एक बच्चा जब फेंट करने लगता है तो अजीब सी हरकतें करने लगता है, आई स्टार्टेड टीयरिंग माई क्लोथ, सो दे अलाउड मी। समहाउ दे कन्विंस द administration of the school, they convinced to the judges and ki chota bacha hai aap ek chance de dijiye, he to sing well but we it can't stop her. So was stage pe leke gaye, to then I sang jo lata ji ka gana tha, salega ma pa 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 dhamare gaare mere sang mere sajna, sarega ma pa 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 धामारे। नाउ आई प्रनाउंस द करेक्ट नोटेशन धामारे, बट उस टाइम में मैं गामारे गा बोलता था। देन इट वॉज डिसाइडेड कि ये जो ट्रॉफी है ये इस बच्चे को दे दी जाए। द मोमेंट दे अनाउंस द ट्रॉफी आई स्टार्टेड जंपिंग, मैं नाचने लगा, और किसी ने कहा कि दिस किड इज रियली वेरी अग्रेसिव, ही इज वेरी मच फाउंड ऑफ ट्रॉफी। तो किसी ने कहा नहीं, उसने ट्रॉफी नहीं, उसने टॉफी सुना है। अच्छा। तो एक्चुअली ही इज अ जंपिंग टू गेट टॉफी, नॉट ट्रॉफी। तो उन्होंने कहा कि टॉफी अभी क्विकली कहां से अरेंज करे, तो दे हैड टू अरेंज अ टॉफी फॉर मी। उन्होंने टॉफी अरेंज की, और जैसे टॉफी मेरे हाथ में आई मैं ट्रॉफी छोड़ा और टॉफी लेके भाग गया। दिस आई हैड टोल्ड रहमान आल्सो स्पेसिफिकली आफ्टर द जेहो कि आई रियली हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर टॉफी बट आई ट्रॉफी बिकॉज अ ट्रॉफीज आर गिफ्ट। जब अवार्ड्स मिलते हैं, लाइक आई वॉज ब्लेस्ड विद द नेशनल अवार्ड फ्रॉम हैदर फिल्म फ्रॉम बिस्मिल सॉन्ग, तो आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर ट्रॉफीज, बट आई थिंक सो आई एम इन लव विद
reward, and rewards are toffee. So this is very creative and very funny incident. You said it na, koi ek aisi ghatna jo bahut interesting bhi ho. So again, I found creativity is there. Music is still there with is ghatna ke saath. Sangeet bhi juda hua hai. छैया छैया, मैं जब आपका फेसबुक पेज देख रही थी तो मैंने देखा कि जैसे ही कोई ट्रैम या ट्रैक आता है आप छैया छैया गाने लग जाते हैं. वो गीत जो है वही गीत ऐसा है जिसने आपको बुलंदियों पर पहुंचा दिया और बॉलीवुड में आपका नाम किया. लेकिन वो गाना ज़रूर हम सुनना चाहेंगे क्योंकि उस पर आपको अवार्ड मिला हुआ है. वो बहुत आपका ऐसा सॉन्ग है जिसने आपको रातों रात कहते हैं कि पूरी दुनिया में फेमस कर दिया. दैट सॉन्ग इज़ रियली ब्लेस्ड बाय द Sufi Saint Peer Baba Bulle Shah. And I remember the day when I met Mr. Rehman, I narrated about Peer Baba Bulle Shah. So he wanted to understand the meaning of that Punjabi lyrics by Mr. Peer Sahab, Peer Baba Bulle Shah. So then I told him ki best tarika hota hai language ko samajhne ka, ki kisi bhi bhasha ko samajhne ka, ki bada achha tarika hota hai ki agar uska expression jo hai, wo best language hoti hai. Bhav jo hote hain, जो भाव का अपना एक स्वभाव होता है वो जल्दी से बात समझ में आ जाती है. तो देन द सॉन्ग वॉज बॉर्न एंड देन माई वन ऑफ फेवरेट फ्रेंड यू कैन सी द मिस्टर शाहरुख ही वेंट ऑन अ ट्रेन एंड मलाइका शराफत द ब्यूटीफुल लेडी एंड शी वाज देयर एंड इट वाज वेल पिक्चराइज्ड. चल छैया 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 चल छैया 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 वो यार है जो खुशबू की तरह जिसकी सुबह उर्दू की तरह मेरी शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा सैया सैया चल जैया 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 चल छैया 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 छैया. आई लव टॉय ट्रेन एंड यू नो माय मिशन इज इन शिमला. आई एम गोइंग टू सिट इन अ ट्रेन विद ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स. वी हैव लैंडेड ओवर हियर एंड दैट इज द One another attraction of mine. I'm asking or the people behind me, या train पे कब चढ़ेंगे या train तक कदों जाएंगे. मेरा बड़ा दिल करता है यार. So I'm really feeling like I will definitely go to the place by train. तारा देवी. हाँ बिल्कुल. Yes. Nearby सबसे Shimla or to another station I will prefer to go there. जी जी. वैसे तो बॉलीवुड में अगर कहा जाए तो पंजाब से मोहम्मद रफ़ी जी आए, पंजाब के एल सहगल आए, उन्होंने पंजाब की कल्चर को कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जो है वो पहुंचाया. लेकिन आप जब आए तो हर गीत में जो पंजाबियत आई वो कहा जाए तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय जो है वो आपको जाता है. तो किस तरह से आप ये प्लान करते हैं कि हर जो आपका गीत है उसमें कहीं ना कहीं पंजाब की बात आ जाती है? कुछ ऐसा प्लानिंग होता है ये कि ये कहें कि स्वाभाविक तौर पर ये ऐसा आ जाता है? नहीं, बेसिकली यू नो द म्यूजिक इज इटसेल्फ इज वेरी रिच. म्यूजिक की जो फ्रेग्रेंस होती है वो किसी भी नस्ल से भी बिलोंग करता हो, किसी एरिया किसी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस बहुत रॉयल, बहुत रिच, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत एक हसीन सा एटमॉस्फेयर इनहेंस कर देती है. सो आई डिडंट ट्राई फ्रॉम माय साइड टू पुट पंजाबी एक्सेंट पंजाबी फ्लेवर इनटू म्यूजिक. इट हैपेंड ऑटोमेटिकली. दो मोर ओवर इफ यू फाइंड माय सॉन्ग्स आर मोर ओवर इनटू अ टिपिकल ऑफ अ बॉलीवुड सॉन्ग. बिल्कुल बिल्कुल. मेरे ज़्यादातर गाने जो है वो बॉलीवुड बेस्ड ही होते हैं. बट इफ फ्रेग्रेंस एंड फील ऑफ पंजाबी कम्स इनटू द सॉन्ग्स तो इट्स रियली वेरी ग्रेट, क्योंकि उसकी अपनी एक मजा है, एक मौज है उसमें. क्या ठुमरी बहुत अच्छा गाती. सैया ने मेरी जोरा जोरी बंगरी मरोरी, सैया ने मेरी जोरा जोरी बंगरी मरोरी, कान्हा के सर मुकुट बिराजे राधा के गल डोरी, सैया ने मेरी जोरा जोरी बंगरी मरोरी, सैया ने. वेरी इंटरेस्टिंग. सुखविंदर जी, आपकी रेंज बहुत ज़्यादा है. कहते हैं कि ऐसा कोई भी गीत नहीं है जो आप नहीं गा सकते. लेकिन कई लोग कहते हैं कि आप एक पक्का जो गीत है वो नहीं गाते, पक्का गान जिसको कहते हैं वो नहीं गाते. एक बात है कि एवरीथिंग यू कैन नॉट डू. व्हेन वी सेट अ टेबल फॉर डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट फॉर द फैमिली, वन कैन नॉट ईट द एंटायर थिंग.
आई एम अ डेफिनेटली अ फिल्म सिंगर. सो इसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि जितना उसका देसी रुतबा है, देसी जो फ्रेग्रेंस है, वो रिमेन रहे. बट आई एम नॉट एब्सोल्युटली अ क्लासिकल वोकलिस्ट. आई एम नॉट फॉर दैट. वो एक अलग जॉनर है, उसकी दुनिया अलग है. उसका ये मेरे लिए किसी की शिकायत नहीं होनी चाहिए कि सुखविंदर सिंह आप क्लासिकल नहीं गाते, बिकॉज ऑफ वो जॉनर, वो यूनिवर्स अलग है. बाजीराव मस्तानी में पंजाबी से एकदम आप जो है मराठी में आई लिव इन महाराष्ट्र एंड आई एम आल्सो प्राउडली से आई मस्ट से प्राउडली आई एम आल्सो a part of Maharashtra and I'm a Maharashtrian too. It's my karam bhumi and I love my Maharashtra, I love my Mumbai, I love Marathi people, I love Marathi culture. And Bajirao Mastani ka gana zarur suna jayenge. It's a Ganpati ji ka, it has got a very dramatical situation. Gajanana, 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 Ganeraya, Gajanana, 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 Ganeraya, Gajanana, 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 Ganeraya, Gajanana, 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 Ganeraya. नहीं, ऊंचाई पे जाना और फिर सुरों को वेरी ऊंचाई पे. शिमला इज अ वेरी ऑन अ हाइट. ऊंचाई वाली जो बात है तो ऑलरेडी हम ना शिमला. सो आई रिमेम्बर द डे व्हेन वी रिकॉर्डेड द सॉन्ग फॉर गजानन फॉर बाजीराव मस्तानी एंड मिस्टर संजय लीला बंसाली वाज देयर एंड रणबीर सिंह वाज देयर आल्सो. तो रणबीर इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. ही सेड ही ऑलवेज सुखी बाजी कमाल करता, बिकॉज लास्ट this year only he sung, I sung two another songs for his movie, Kill Dil. That happy birthday to you, happy birthday to you, har ghar samjhe magahe bharashi ko pher hai curfew, and dil dhadakne do ka tu dalu dal mein bhangda aur tu samjhe. So they wanted to tell me, Mr. Bansali also, that the song is done. I mean to say, when my voice was recorded, the song was recorded. Song is done, Mr. Singh. Now, do you feel to do something? I understood what exactly they wanted. So, run through, again I sung. And they have kept that only in cinema. Achha. On cinema. Okay. ऐसा कोई गीत जो आपने बहुत दिल से गाया हो लेकिन वो जो है वो पॉपुलर ना हुआ हो और आपको मलाल रह गया हो. एक फिल्म है जो रिलीज नहीं हो पाई. अच्छा. वैसा हुआ होगा. लेकिन मलाल एक ऐसी रंजिश है ना जिसे पालना नहीं चाहिए ज्यादा. ये वो बीज है जो खेती के काम में नहीं आ सकता. चलो अब हम आपके जानना चाहेंगे, अमृतसर देश का एक कोना और मुंबई देश का कह जाए तो आखिरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. कोई ऐसा किस्सा बताइए जिससे पता चले कि जब बॉलीवुड में कोई जाता है तो क्या मुश्किलें उसके सामने आती है. अमृतसर से यहाँ का जो सफर है उसमें एक ही दिक्कत होती है. एक्चुअली बेसिकली वो दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है, वो यही है कि पैसे खत्म हो जाते हैं. एंड यू नो वन थिंग, I was blessed with one peer sahab. I remember one nice thing happened. I went to his dargah pe gaye, bade sukoon se wahan niyaz ban rahi thi. Niyaz banane mein humne bhi seva ki. Us waqt peer sahab ne mere ko bless kiya, ek sikka meri taraf phenka. मैंने अभी कहा ना कि जो आपने पूछा कि अमृतसर से बॉम्बे तक का रिश्ता जो उसमें कुछ कड़वाहट कुछ मिठास क्या है, तो कड़वाहट ये है कि पैसे खत्म हो जाते थे. वो आज भी हो जाते हैं. वो सिक्का फेंका था मेरी तरफ और उनके एक बहुत ही नियरेस्ट एक फॉलोअर थे, तो उन्होंने कहा कि ये क्या किया आपने. कहते इसके पास कभी पैसे जमा नहीं होंगे. कहते वो दो दिन से बेचारा सेवा कर रहा है, आपने कोई मोहब्बत भरा उसको आशीर्वाद दीजिए. कहते चलो एक बात करते हैं, इसके पास कभी खत्म भी नहीं होंगे. क्या बात है. सो अब वी एक्चुअली जो स्ट्रगल कहते हैं वो सबसे बेस्ट चीज होती है कि आपका पैशन आपसे दूर ना हो. जी. पैसे दूर हो जाते नो प्रॉब्लम, पैशन नहीं दूर होना चाहिए. बिल्कुल. एंड आई फाउंड कि मेरा पैशन मेरे से कभी दूर नहीं होगा. स्ट्रगल की दुनिया है. जब स्ट्रगल कर रहे थे आप
उस समय कुछ ऐसी बात जो हमारे युवाओं को प्रेरणादायक भी हो कि भाई जब वो लोग स्ट्रगल करते हैं कुछ नहीं पा पाते, तो किस तरह की भावना से जो है हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए? बेसिकली क्या है कि एक है अट्रैक्शन, एक है अफेक्शन, एक है पैशन. बेसिकली इफ यू हैव अट्रैक्शन ऑफ एनी थिंग विच इज गुड बट विदाउट अफेक्शन एंड पैशन यू कैन नॉट कंप्लीट इट. यू कैन नॉट फुलफिल योर ड्रीम विदाउट पैशन. और पैशन इनबॉर्न भी होता है. कहते हैं सबक वफा का सिखाया नहीं जाता, जो कुछ सीख लो भुलाया भी नहीं जाता. बट सबक वफा का जो है इनबॉर्न तो होता है, बाय ब्लड भी होता है, लेकिन सोसाइटी से भी आता है. दोस्तों किसी चीज के लिए लाइक म्यूजिक से आप अट्रैक्टेड हो कि मुझे माइकल जैक्सन बनना है, मुझे ब्रिटनी स्पीयर्स जैसा बॉम्ब शेकिंग परफॉर्मेंस करना है, एंड आई वांट टू सिंग अ लीजेंड लाइक लता जी आशा जी, वो अभी मत सोचिए, नॉट पॉसिबल. वो एक ही समंदर है. बट आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर. एक मैजिक होगा गॉड की तरफ से, लेकिन वो पर्सनली बनाना पड़ेगा गॉड को, लता जी एंड आशा जी. बिल्कुल वो पर्सनली बनाना पड़ेगा. वो कुछ मंत्र भी नहीं बना मेरे को लगता कि जो वैसी पर्सनैलिटीज को पैदा कर दे. वो गॉड खुद ही अपने हाथों से मंत्र पढ़ेगा तो ही हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. बॉम्ब शेकिंग आपने एक बोला तो एक परफॉर्मेंस हो जाए आपका, एक गीत हो जाए जिसमें थैंक गॉड बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन चेयर एंड इट इज आई रियली लव वन ऑफ माय सॉन्ग. बट आई लव ऑल माय सॉन्ग्स. एक्चुअली आई लव म्यूजिक. वो किसी का भी, किसी ने भी गाया हो, कोई भी कहीं का भी किधर भी हो, आई लव म्यूजिक. आग सी रवानिया लेती है अंगड़ाइया, ये जला दे है दिलों में जिंगारिया. ये जलवा फैशन का है, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा. बहुत आई लव, इट्स वेरी स्टाइलिश. And I remember the day one, Mr. Khan, Mr. Shahrukh bhai, mere ko bole, kehte yaar maine tere kisse bade sune hain. Adi ji bhi saath the, Aditya ji bhi. Maine kya? Kehte yaar thoda flirty bhi hai. Maine kaha thoda matlab kya hoga? What do you mean by it? Kehte but वैसे तो बड़ा mannerism तुम्हारा ये. मैंने कहा that cannot go, वो नहीं जा सकता. तो कहते यार एक जगह पर मुझे मोहब्बत हो जाती है एक लड़की से, तो एक डांसिंग नंबर तो हम गा ही रहे हैं, मर जानी. और ये तो देन मर जानी भी मेरा फेवरेट सॉन्ग है. देन हाउ द हॉले हॉले सॉन्ग के, तो वो ये दोनों जो गीत हैं आपको सुनाने. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. हॉले हॉले से हवा लगती है, हॉले हॉले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है ना, हौले हौले हो जाएगा प्यार चलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार. हैप्पी न्यू ईयर टू यू. अब नए साल का रेजोल्यूशन भी बताइए आप. नए साल का यार मेरी शादी करवा दो. कसम से मैं बहुत दुखी हूँ अभी. तो पता क्या है, अभी मुझे बहुत ताने. मैं एक्चुअली यू नो व्हाट, बेसिकली मैं सच्ची दिल से बताऊँ, आई नो माई सराउंडिंग. Everything is big, big, everything, lots of things. पता नहीं सब कुछ बहुत गॉडी है. स्टारडम, सेलिब्रिटी, सुखविंदर जी, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ. आई लव पहाड़ी पीपल. शादी. आई लव देम. यू नो what इज द बेस्ट क्वालिटी इन देम? इनोसेंट. वी हैव पीपल इनोसेंट इन आर महाराष्ट्र, इन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, मुंबई, माई जुहू एंड. बट पता नहीं कुछ है. कुछ है. एंड द प्रॉब्लम इज आई डोंट गेट टाइम टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट आई रियली वॉन्टेड टू कनेक्टेड विद द पीपल ऑफ हिल स्टेशन. एंड आई थिंक सो माई विजिट इन शिमला इज गिविंग मी इंडिकेशन कि पुत्र एक काम कर, नाउ स्टे हियर एटलीस्ट फॉर वीक. वन वीक विल बी इनफ, आई थिंक सो. एंड बट डोंट बी कनेक्टेड विद अनदर सेलिब्रिटी लाइक नंदिनी जी. गो एंड अपना खेतों में
और पहाड़ों में चले जा, बट यू नो व्हाई, बेसिकली खेतों में नहीं, बागों में, बागों में, हाँ, बागों सेब में, के बागों बागीचों में, एंड नहीं खेत भी है ना हिमाचल में, खेत भी होते हैं, लेकिन जब पहाड़ की बात आती है तो बगीच हाँ, सेब की बात आती है. सो दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ न्यू ईयर. एंड फिर भी हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि मेरे सर्कल में भी लोगों का कहना और मेरा खुद का भी, कि मैंने एक्चुअली पहली बार सोचा है. आई थिंक सो, आई थिंक सो, आई विल बी गिफ्टेड एंड आई नो द साइड इफेक्ट आल्सो एंड बट आई डोंट माइंड. फिर पहाड़ पे बहुत बार आना पड़ेगा आपको. आई डेफिनेटली वो मेरे को अभी वो ट्रेन की अट्रैक्शन बहुत सता रही है, तो आई विल रश टू गो टू द ट्रेन, छोटी सी क्यूटेस्ट ट्रेन. आई डोंट नो द टाइमिंग्स बट आई विल गो माई सेल्फ विद ऑल ऑफ माई फ्रेंड हु दे हैव लैंडेड ओवर हियर विद मी, देन वी विल गो एंड बाय द टिकट्स बाय आवर सेल्फ टू गो टू सिट इन द ट्रेन एंड विल हैविंग कैंडी, आइस कैंडी. ठंड हो रही है तो हम आई लव आइस कैंडी. आई हैड ऑलरेडी 3-4 मॉर्निंग टाइम. सो नंदनी जी के साथ भी और आप भी बोल दीजिए सब. आखिरी गीत सुने बगैर तो माय सॉन्ग विल बी नेवर लास्ट. इट कैन नेवर लास्ट, बट एक आखिरी जो रब्बा रब्बा मी वर्षा साडी कोठी दाणे पा कावा 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 के अज मेरा जी करदा के अज मेरा जी करदा हो मैं उठ जा उड़ जा नाल हवा भाज मेरा जी करदा हैप्पी न्यू ईयर. मैं दोस्तों आपके लिए गाना गाया क्योंकि मैंने कुफरी में देखा आप सब लोग बर्फ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो नाउ आई हैव टोल्ड द ऑलमाइटी कि रब्बा रब्बा मी बरसा साडी साडे शिमले दाने पा. बिल्कुल, बहुत अच्छी मुलाकात आपसे रही. वी आर प्रिविलेज आपको और सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं. आपने हमारे साथ समय बिताया, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.